हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। होप सभी जन ठीक होंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सबसे शायद रेजोनेट ना हो, लेकिन जिन लोगों से रेजोनेट हो रही है बहुत अच्छी बात है। तो आप जो पार्ट आपको से रेजोनेट हो रहा है तो उस पर अमल कीजिए, और जो मैं उपाय बताती हूँ चैनल पर, प्लीज़ फॉलो कीजिए उन उपायों को। उससे 100% मैं गारंटी बोलती हूँ आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन के पेरेंट्स जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनके पेरेंट्स या सिबलिंग्स या उनके घर वाले जो आपके रिश्ते के लिए नहीं मान रहे, तो उनके साथ में आपके पर्सन का क्या चल रहा है, वो थर्ड पार्टी आपके लिए क्या सोच रही है। फ्रेंड्स, नीचे लिंक में मैं आज दो वो जो वीडियोज़ डाल रही हूँ, एक तो संदेश चांदलिया जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, हम लोग के क्लाइंट है, आप उनका वीडियो सुन सकते हो। वो क्या है ना, सूरज हुआ मध्यम सॉन्ग के फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर है, उनका नया म्यूज़िक वीडियो आया, वो आप स्पिरिचुअल आप देख सकते हो उस वीडियो को। और जो मैं 333 टैरेट्स का जो वीडियो डाल रही हूँ, लिंक डाल रही हूँ मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में, आप उनका भी वीडियो देखिए। वो टैरो रीडर भी बहुत एक्सीलेंट है। वो सारे मतलब वो थोड़े दिनों के लिए इस पर आई है यूट्यूब पर लोगों की हेल्प करने के लिए। वो यहाँ पे मुंबई में बहुत बड़े लोगों का काम करती है। आप उनका काम बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती इतना। वो जो प्रेडिक्शन देती है, उनका थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। वो जो प्रेडिक्शन देती है ना, वो राइट ही होती है, मतलब आज तक कभी रिकॉर्ड रॉन्ग हुआ ही नहीं। अभी लाल सिंह चड्ढा फिल्म थी जो उन्होंने फेबरी में प्रेडिक्शन डाल दिया था उसका कि वो पिक्चर फ्लॉप होगी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आमिर खान की पिक्चर फ्लॉप होगी। उन्होंने पहले से प्रेडिक्शन डाल दी थी। उन्होंने ये राकेश झुनझुनवाला के लिए लास्ट ईयर जुलाई में प्रेडिक्शन डाल दी थी कि उनके अकासा एरे चालू कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा नहीं होगा, ये उनका प्लान फेल होगा। उनको ये नहीं पता था कि वो खुद ही फेल हो जाएंगे, राकेश झुनझुनवाला। वो देखो उनका वो भी जो भी प्रेडिक्शन डालती है उनका बहुत राइट होता है, क्योंकि उनका थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। आप उनके वीडियोज़ देख सकते हो, मैं उनका लिंक नीचे डाल रही हूँ, 333 टैरेट्स। उनकी प्रेडिक्शन हमेशा राइट होती है। और उन्होंने पहले एक बार सब सनी देओल आने वाले नहीं थे मतलब पॉलिटिक्स में, तो भी उन्होंने आया सनी देओल का चांसेस है पॉलिटिक्स में आने का और विन करने का। और बिलीव नहीं करोगे, 6 महीने बाद में सनी देओल ने अनाउंस किया कि वो पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं, और उन्होंने इलेक्शन लड़ा भी। देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन के सिचुएशन में, बोलते 9 of Swords का कार्ड चल रहा है। 9 of Swords ना देख रहे हो आप, 9 of Swords बहुत ही मतलब इंसान बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में या बहुत ज़्यादा डर की एनर्जी, तो उनके पेरेंट्स मुझे ऐसा लगता है कुछ फियर की एनर्जी में हो सकते हैं या कुछ डर की एनर्जी में हो सकते हैं। शायद आपके पर्सन ने ऐसा कुछ उनको बोला है, उसके वजह से वो थोड़ा फियर में हो सकते हैं कि ये पर्सन हमको छोड़ के नहीं चला जाए हमेशा के लिए, या हम लोग से दूर नहीं हो जाए। तो मुझे ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि है ना, उनके घर में ये सिचुएशन चल रही है। या तो आपके पर्सन की भी एक एनर्जी हो सकती है, बहुत फियर में या स्लीपलेस नाइट्स है, बहुत स्लीपलेस नाइट्स चल रही है बेसिकली उन लोग के घर पे, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत रोना धोना भी मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके घर में बहुत चलता है, रोना धोना, या बोलते ना इमोशनली ब्लैकमेलिंग का काम भी बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये सब चीज़ आपके घर में उनके घर में, मुझे लगता है जो भी लोग हैं आपके जो डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग हैं, बहुत ही मतलब जिनकी थिंकिंग बहुत नैरो माइंडेड है, वैसे लोग हैं थोड़े बहुत। तो उसकी वजह से ये क्या, ये पर्सन बहुत ये आप लोग की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनकी नैरो माइंडेडनेस की वजह से आ रही है। वो क्या अपनी सोच को बढ़ा नहीं पा रहे बेसिकली, मैं ये बोल रही हूँ। उनके हो सकता है आपके जो भी सिचुएशन है उसके अंदर फैमिली में फीमेल पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ढीठ पन है, बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्टबन एक्ट कर रही है, उसकी वजह से सिचुएशन नहीं हो रही है। या उनके ऐसे भी हो सकता है कि उनके घर में ऐसा कोई गुरु है या कोई ऐसा जो स्वामी है या कोई ना लेडी है जिनकी बात बहुत मानी जाती है, उसकी वजह से ये सब क्या वो पर्सन आपका काम ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो ख़राब कर रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि उनको एक तरह से ऑर्थोडॉक्स पीपल है और उनको डराया जाता है तो थोड़ा और डर जाते हैं। तो वो सिचुएशन उनके घर में चल रही है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आपको आपके पर्सन है पीसफुल सिचुएशन में, वो अभी वो ये सब चीज़ को नहीं मानते, उनके काफ़ी ब्रॉड माइंडेडनेस है। तो वो ये सब चीज़ भगवान को मानते हैं डेफिनेटली, लेकिन फिर भी वो अपनी एक सोच के हिसाब से चलते हैं ये पर्सन। तो वो ये सब चीज़ वो डराने धमकीने में आते नहीं है किसी के, या कोई उनको डराने की कोशिश कर रहा तो वो सब चीज़ वो नहीं सोचते। उनके पेरेंट्स देखो किस तरह से कंडीशन में दिख रहा है, आपको दिख रहा है 5 of Pentacles, बहुत ही डरावनी सिचुएशन उनको लग रही है, बहुत ही है ना उनको है ना ऐसे लग रहा है कि उनके घर में एकदम बातचीत काफ़ी काफ़ी बंद टाइम तक बंद रहती है अपने बच्चे के साथ में, बहुत ही या तो उनका या हो सकता है आपके पार्टनर अपने काम से काम में रखते होंगे, अपने ही रूम में ज़्यादा रहते होंगे, आपके अपने पेरेंट्स ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, ये सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है।
उनके घर में बेसिकली। और आपके ये पर्सनली भी क्या वो कि अपने 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 आप में ठीक है, स्टेबल है, मतलब ऐसे वो नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन स्टेबल नहीं है, काफ़ी स्टेबल है और काफ़ी ये अपने लव के बारे में बहुत सोचते हैं। मैं देख रहा है इसमें सलीम वो क्या जो बैठ के आना वो ताजमहल को देख रहे हैं मुमताज़ के, तो आपके पर्सन आपको बहुत याद कर करके पुरानी बातों को अपने लव ऐसे रोमियो जैसे बन के घूमते रहते हैं अपने, मतलब इनको लोग बोलते भी होंगे जब प्यार में पागल हो गया है या पागल हो गई है, इस तरह से भी इनके बारे में बातचीत होती होंगी क्योंकि ये पर्सन जिस तरह की एनर्जी में रहते हैं तो उनको लग रहा है कि घर वाले उनको इस तरह से ताने भी मारते होंगे कि ये पर्सन इसको प्यार के अलावा कुछ दिखता नहीं है, फैमिली नहीं दिखती है ये, या अपने ही मतलब में ऐसे इनको बोला भी जाता होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन आपके पर्सन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से, वो अपने फैसले पे अड़िक है, वो क्या अपने वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने के लिए उनके पेरेंट्स जो बोल रहे हैं या उनके फैमिली वाले बोल रहे हैं वो सिच में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ये पर्सन बेसिकली, ऐसे बोलेंगे तो वो चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मैं आपको बार बार बोल रही, देखो आपका क्या कार्ड आ रहा है आपके पर्सन का और आप लोगों का, आपके पर्सन का टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है। वो टेम्परेंस क्या होता है, जो बहुत अलग अलग दिशाओं में भी जो लोग होते हैं ना वो भी एक साथ आ जाते हैं, तो आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली पैचअप करना चाहते ऐसा नहीं है, लेकिन अभी वो क्या एक्शन ले ही नहीं पा रहे बेसिकली, क्योंकि वो पेज ऑफ वैंस है, वो एक्शन लेना चाहते हैं कि चाहत है इंसान के मन में एक्शन, कभी भी किंग ऑफ वैंस एक्शन वाला ओरिएंटेड पर्सन होता है, लेकिन ये पेज की एनर्जी में तो बहुत ही लो लेवल पे है क्योंकि ये वो घर के ड्रामे इनके ख़त्म नहीं होते तो ये बेचारे करे क्या, तो बहुत ज़्यादा ड्रामा सिचुएशंस घर में ऑन हो जाती है और उनको बहुत ताने भी सहन करने पड़ते हैं आपकी वजह से, बहुत इनको सुनाया जाता है बेसिकली, ऐसे भी बोल सकते हो कि ये ना ये पर्सन को बहुत ज़्यादा बोला जाता है आपके। देखो ये पर्सन किस तरह से उनकी फैमिली वाले उनके आपके पर्सन थोड़ा तो ग्रीफ में दिखाई दे रहा है, ग्रीफ का कार्ड आ रहा है, बहुत ग्रीफ की एनर्जी चल रही है बेसिकली, बहुत उदासी की एनर्जी चल रही है, बहुत है ना इरिटेटेड आपके पर्सन और उनके फैमिली वाले बहुत इरिटेटेड फील करते हैं, वो मुझे ऐसे लग रहा है, तो ये एनर्जी वहाँ पे चल रही है। प्राउड का कार्ड आ रहा है एक, मुझे ऐसे लग रहा है आपके पर्सन बहुत ना प्राउड फील करते हैं लव में है तो ये आपसे लव करते हैं, तो एक उनको एक अच्छी फीलिंग आती है, प्राइड आता है इंसान को, उनको गर्व महसूस होता है, उनको ऐसा नहीं लगता कि वो गलत काम किए हैं उन्होंने प्यार में जाके या आपसे प्यार करके कुछ गलत काम किया, उनको इनफैक्ट अच्छा लगता है, इनको एक प्राउड फील कर एक अकम्पलिशमेंट जैसा लगता है और रिस्पेक्टफुल, और इनकी फैमिली को भी ऐसे शायद लगता है कि वो लोग बहुत प्राउड, उनको लगता है कि उनका एक समाज में बहुत नाम है रुतबा है, तो वो चीज़ को भी लेके वो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि उनकी फैमिली का एक अलग टाइप का नेम है, एक रिस्पेक्ट है, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा घर में बात होती है, देखो टॉक्स होती है, रूपी मनी शो बिजनेस टॉक इन टाउन है ना ये सब है ना, नो रिटर्न जो मतलब आपसे शादी करके नो रिटर्न मतलब कुछ रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, ऐसी सब बातें बहुत होती है, ये मतलब उनका घर में जो भी शो टाइप बहुत है, शो बिजनेस वैसे बोलते हैं ना, शो ऑफ बहुत है उनके घर में, मनी का पैसे का ये सब चीज़ हो सकता है, उनको शो ऑफ करने का शायद शौक है कि हमारे बच्चे की शादी यहाँ पे हुई है, शो ऑफ करना है उनको कि कोई बड़े घर में शादी हुई है, कभी बड़े चीज़ से मतलब ऐसी फैमिली में शादी हुई तो उससे उनको शो ऑफ कर सके, वो चीज़ के बारे में वो लोग बहुत सोचते हैं उनके फैमिली वाले, देखो उनको ये वो चाहिए, वो उनको समझाते भी है कि देखो इससे अगर तुम इस पर्सन से शादी करते हो तो तुमको सोसाइटी में कितना रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग तुमको ना कितनी ना ऊँची भावना से देखेंगे, ये वो ऐसे सब टॉक्स उनके घर में होती है बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो, और कम्फर्टेड आ रहा है। लेकिन आपके पर्सन में बोल रही हूँ एकदम अपने ही मस्त मौला है, जो अपने जो भी फीमेल है उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है वो लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, वो सुन लेते हैं और अपने रिलैक्स हो जाते हैं, अपने रूम में जाके लेट जाते हैं, अपने ही काम में बिजी रहते हैं, इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की है बेसिकली, उनकी फैमिली की अलग टाइप की एनर्जी, आपके पर्सन की कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जी है, मतलब दोनों जब अदम अदम अपोजिट डायरेक्शन में बोल सकते हो, उनके पेरेंट्स वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब वो कुछ भी बोल रहे हैं लोग ताने मार रहे हैं, घर वाले ताने मार रहे हैं, तो अरे सुन लो, अरे लोग इनको ऐसा शायद आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि रोज की बात हो गई है, ऐसे भी हो सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है, तो ये आपके उनके एनर्जी वाले डोर टू स्पिरिट आ रहा है, एक्चुअल में हो सकता है कि आपके पर्सन अभी बॉय या उनके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और ना ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा करवा रहे होंगे, हवन पूजा कुछ भी तरह की इस तरह की मुझे ऐसे लगता है, ताकि सिचुएशन ना नॉर्मल हो या घर में अच्छी हो, तो ये सब चीज़ उनके घर में चल रहा है, आपके पर्सन भी काफ़ी पूजा पाठ करते होंगे मुझे ऐसे लग रहा है, वो भी मैनिफेस्टेशन में तो लगे ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट उनके घर में सिचुएशन ब्रोकन हार्ट की है, उनके घर में सिचुएशन अभी एकदम कम्प्लीटली हेल्दी नहीं है, मतलब ऐसे बोल सकते हो बहुत ब्रोकन है, मतलब दिल में कड़वाहट बहुत है बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो अभी,
तो मतलब एक मन मनात भी लेते हैं ना, तो दूसरे मन में आपस से ना कोई ऐसा इंसान होता है जो पानी फेर देता है, तो वो क्या एकदम कड़वाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है और एकदम ब्रोकन हार्ट हो जाते हैं, इसलिए आपकी तरफ कदम आगे चाहकर भी बढ़ा नहीं पा रहे। मतलब सोचते तो बहुत कुछ है, पढ़ाए ये वो, शायद आपके बच्चे आपके पार्टनर की बात कभी कभी मान भी लेते हैं, लेकिन आपके पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता है, वो डेफिनेटली ब्रोकन हार्ट है आपके पर्सन, ऐसा नहीं है कि ब्रोकन हार्ट नहीं है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं ना, वो क्या बहुत ना गेम्स चलते हैं घर के अंदर, ये सब पासे दिख रहे हैं आपको, तो कुछ ना कोई कोई ना कोई अपनी चाल चलता रहता है, कोई ना कोई अपने तरीके से आपके पर्सन को मनाने की कोशिश करता रहता है। ये क्या जैकॉल जैसे, ये सोचते कि जैकॉल दिख रहा है आपको, जैकॉल जैसे लोमड़ी जैसे, मतलब कैसे बोलते हैं चालाक टाइप के लोग, वो लोग ये ऐसे बोलते हैं लोमड़ी है कि जैकॉल समझ नहीं गया, लेकिन एकदम चालाक है वो लोग, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्मार्ट एक्ट करते हैं आपके पर्सन के साथ में, समझ रहे हैं, अपने भावना दिखाते नहीं है अंदर से क्या है, मन की फीलिंग्स बराबर से उनको बस समझाते नहीं है। लेकिन यार ये 12 नंबर का कार्ड आ रहा है, अभी भले सिचुएशन हैंड हो थोड़ी वो हो, आप दोनों साथ में भले ही ना हो, लेकिन ये आप लोग दोनों साथ में डेफिनेटली होंगे, ऐसा नहीं है कि साथ में नहीं होंगे, और पीसफुल सिचुएशन आएगी, क्योंकि आपके डेस्टिनी में लिखा है कि 10 नंबर डेस्टिनी कार्ड है, वो हार्वेस्टिंग, जब आपका हार्वेस्टिंग टाइम आएगा, डिवाइन टाइमिंग, वैसे बोला डिवाइन टाइमिंग जब भी आएगा तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, आप एक सरेंडर, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, एक सरेंडर होता है, और एक होता है कि सरेंडर के साथ में ट्रस्ट, आप सरेंडर कर देते हो लेकिन ट्रस्ट नहीं करते हो, डिवाइन टाइमिंग होती है, और वो डिवाइन टाइमिंग कब आती है, जब आपके सारे इश्यूज हील हो जाते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत लोग मेरे को बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं जिनके अंदर मैंने एंसेस्टर पूजा और नवग्रह पूजा करवाई है, उनको रिजल्ट मिल रहे हैं, मैंने जिनको टाइम देती हूँ ना वो टाइम फ्रेम में उनको रिजल्ट मिलता है, किसी को 3 महीना भी लगता है, किसी को 2 महीने भी लगता है, और किसी को 4 महीने भी लगते हैं पूजा कराने के बाद में, लेकिन रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। तो बहुत लोगों ने जिन्होंने करवाई थी मुझसे पूजा अप्रैल मई में, उन लोगों को काफ़ी लोगों को अभी रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मुझे खुशी हो रही है कि जो लोग के पूजा कराना उनका सफल हो रहा है, क्योंकि आपको अपने कर्मा क्लियर करने पड़ते हैं, अगर वो एटलीस्ट एक स्टेप तो आप ले सकते हो, बाकी के इश्यूज़ आपके हील होते रहेंगे, आपके एंगर का, फियर का, आपके रिलेटिव का, सब वो इश्यूज़ भी आपके धीरे धीरे हील होते जाएंगे, जब ये सब आप पूजा करवाते हो ना तो आपके ये इश्यूज़ भी फास्ट गति से हील होना शुरू होते हैं, और जब तक ये जब इश्यूज़ हील नहीं होते तब तक लाइफ में आगे बढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप खुद देखिए आप पीसफुल सिचुएशन में हो क्या, अगर पीसफुल सिचुएशन में नहीं हो तो आप अपनी सिचुएशन को संभालिए, मतलब आपको पीसफुल में आना ज़रूरी है, देखिए कहाँ गलत जा रहे हो, क्या आंसर इशू बार बार आपके सामने आ रहा है, वो इशू को बार बार हील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो गॉड आपको बता रहा है कि ये इशू है तुम्हारा, ये इशू है, लोगों को कितनी बार तो यही समझ में नहीं आता हमारा इशू क्या है, वही सिचुएशन बार बार हो रही है, वही गलतियाँ बार बार रिपीटेड मिस्टेक्स करते जा रहे हैं, फिर लाइफ वहीं जर्नी पर स्टक रहते हैं। तो हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, और जिनको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर, जिनको सबको लगता है कि ज़रूरत है ऐसी रीडिंग्स की उनको साथ में शेयर भी कीजिए। हो फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, आप लोग कहते हैं थैंक यू।